हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। रिव्यू टैब का अगला ग्रुप दिया गया है ऑप्शंस का, जिसका नाम है चेंजेस ग्रुप। चेंजेस ग्रुप का अर्थ ये होता है कि वर्कशीट तैयार हो गई, कमेंट भी लगा दिए, प्रूफिंग वगैरह भी चेक कर दी, लेकिन अब यदि हम किसी को इसको डॉक्यूमेंट को देते हैं कि आप भी चेक करिए, किसी दूसरे को देते हैं है? और या तो उसको हम ईमेल करते हैं या पेनड्राइव में देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं केवल वो डॉक्यूमेंट को पढ़ पाए, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना कर पाए, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम इस प्रोटेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चेंजेस ग्रुप के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। देखिए प्रोटेक्ट शीट में क्या बता रहा है स्क्रीन टिप में समझ लेते हैं। Prevent unwanted changes to the data in a sheet by specifying what information can be changed. आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप ऑथराइज नहीं करते हो कि वो इसमें कोई चेंजेस करे, उस चेंजेस को रोकने के लिए, मतलब कि अगर आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो सामने वाला व्यक्ति जिसको आप दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट और आप नहीं चाहते हो कि वो चेंजेस कर पाए, तो वो इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल लिखा है, यू कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एडिटिंग लॉक्ड सेल और चेंजिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप सेल को लॉक करके आप चेंज को प्रोटेक्ट होने से बचा सकते हो। ठीक है, कैसे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जो भी वर्कशीट बनी हुई है, अभी देखिए इसमें आराम से डेटा जो है चेंजेस हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया, किसी प्रकार से हमको कोर्सेस में चेंजेस करने हैं तो कोर्सेस में हम चेंजेस भी कर देंगे, कोई नंबर वगैरह एंटर करना है तो वो भी कर देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिसे भी हम ये वर्कशीट अब देंगे वो केवल डेटा को क्या कर पाए, पढ़ पाए, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस ना कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले वर्कशीट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट शीट में चले जाइए। अब ये देखिए अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, ठीक है, दो ऑप्शन बस चेक्ड है, मतलब जो आप चेक्ड करेंगे यहाँ पर वो चीज अलाउ रहेगी। अगर आप कुछ भी अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो सब चीज हटा दो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा यूजर। अलाउ का मतलब समझ गए कि जो आप यहाँ पर ऑप्शन चेक्ड करेंगे, आपने कर दिया सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन बस लॉक्ड और अनलॉक्ड सेल को सिलेक्ट करने के लिए बनेगा। फॉर्मेट सेल अगर आप चेक कर दोगे तो केवल फॉर्मेटिंग कर सकता है यूजर और कुछ नहीं कर सकता है। अभी हम कुछ नहीं करते, केवल ये दोनों जो चेक्ड थे वैसे ही चेक्ड रहने दे सकते हैं। और पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, मतलब जब कोई उसको प्रोटेक्शन को अनप्रोटेक्ट करना चाहेगा तो उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप पासवर्ड दे दीजिए, ओके बटन में क्लिक करिए। अब री एंटर करिए पासवर्ड को फिर से, तो यहाँ पर हमने री एंटर कर दिया पासवर्ड, ओके बटन में क्लिक किया। अब हमारी वर्कशीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। देखिए कैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो डबल क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ टाइप करने के लिए बोल रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, आप केवल इसे पढ़ सकते हो। देखिए कहीं पर भी हमारा डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी वर्कशीट क्या हो गई है, प्रोटेक्टेड हो गई है। अब मान लीजिए आपने किसी को दिया, उसने पढ़ लिया, लेकिन अब आप स्वयं उसको चेंजेस करना चाहते हो, उसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से उस भाग को सिलेक्ट करो और ये देखो एक बार जब प्रोटेक्ट कर चुके होते हो तो उस समय प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, जब नहीं किए होते हो, और जब प्रोटेक्ट कर चुके होते हो तो यही ऑप्शन बदल जाता है अनप्रोटेक्ट में। तो हमने अनप्रोटेक्ट शीट में क्लिक किया और यहाँ पर आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, अगर आप पासवर्ड भूले तो फिर कोई तरीका नहीं कि आप वर्कशीट को जो है फिर से ला पाओ, अनप्रोटेक्ट कर पाओ। तो पासवर्ड हमने यहाँ पर दे दिया, ओके बटन में क्लिक किया। अब ये देखिए फिर से हम अपने इसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना और अनप्रोटेक्ट करना सीखा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम ये चाहते हैं कि यूजर हमारी पूरी वर्कशीट को हम प्रोटेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इतना भाग है, इतने भाग बस में यूजर चेंजेस कर पाए, ठीक है, इतने भाग में बस यूजर चेंजेस कर पाए, तो इतनी सेल को आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए फॉर्मेट सेल में, ठीक है, फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में जाइए, ये देखिए ये लॉक्ड है, इसको अनचेक्ड कर दीजिए। लॉक्ड का मतलब क्या होता है, लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट।
अगर आपकी सेल लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, मतलब अगर आपकी सेल प्रोटेक्ट कर भी देते हो तो भी लॉक्ड सेल में उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अनलॉक्ड कर देते हैं। ये लॉक्ड ऑप्शन था, इसको हमने क्या कर दिया, अनचेक कर दिया और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए एंट्री भी हो रही है यहाँ पर। अब इसको हम चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट वर्कशीट करते हैं और यहाँ पर अलाउ वाली यूजर ऑफ द वर्कशीट को सिलेक्ट लॉक्ड सेल, इसको हटा देते हैं, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, तो वहां से हमने अनलॉक्ड कर दिया है सेल को, है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड दे दिया हमने इस प्रकार से, फिर से पासवर्ड हमने रिटाइप कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पर कोई चीज चेंजेस होंगे नहीं होंगे, ये देखिए किसी प्रकार के चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होंगे चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर क्यों होंगे चेंजेस, यहाँ पर क्यों फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया है, आया समझ में। और यहाँ पर आप किसी प्रकार का चेंजेस जो है नहीं कर पाएंगे, ये देखिए कहीं पे नहीं कर पा रहे हैं आप, केवल इतने भाग को जितने भाग को आपने सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया था और उसकी प्रॉपर्टी में गए थे, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने क्या कर दिया था, उसको अनलॉक्ड, मतलब जो लॉक्ड का चिन्ह था उसको आपने हटा दिया था, तो मतलब वो लॉक नहीं रह गई थी। अगर लॉक रहती तो फिर प्रोटेक्ट भी हो जाती, लॉक अगर वहां से लगा हुआ होता तो प्रोटेक्ट भी हो जाता, तो वहां से हमने लॉक को हटा दिया और उसको क्या कर दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये देखिए केवल इतने भाग में यूजर काम कर सकता है, बाकी में काम नहीं कर सकता। शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट में क्लिक कर दो और यहाँ पर फिर से पासवर्ड डाल दो, ओके कर दो, अब आपकी पूरी वर्कशीट फिर से आप चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका क्या, प्रोटेक्शन ऑप्शन। प्रोटेक्शन ऑप्शन की तरह ये है कि मान लीजिए जितने भाग को हमने सेलेक्ट किया था उतने भाग में ही प्रोटेक्शन अप्लाई होता है, बाकी भाग में प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी हमारी वर्कबुक, जो पूरी वर्कबुक है, एक वर्कशीट को हमने प्रोटेक्ट कर दिया लेकिन दूसरी वर्कशीट तो हमारी नहीं रहेगी प्रोटेक्शन। हम चाहते हैं कि पूरी वर्कबुक, ये एक्सेल एक्सरसाइज नाम की जो पूरी वर्कबुक है वो ही प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन में क्लिक करेंगे, है ना। और आप किस तरीके से प्रोटेक्शन चाहते हो, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, स्ट्रक्चर और विंडो भी कोई चेंज ना कर पाए, तो इसमें हमने क्लिक कर दिया, पासवर्ड दे दिया, ओके में क्लिक कर दिया, री एंटर कर दिया पासवर्ड, ओके बटन में क्लिक कर दिया, तो अब हमारी वर्कबुक जो है वो क्या हो गई है, प्रोटेक्टेड जो है हो चुकी है। तो यहां से आपका देखिए ये किस तरीके से प्रोटेक्टेड हुई है। अभी ये आपको अगर चाहते हो कि जो सेल के कंटेंट है वो प्रोटेक्ट रहे तो प्रोटेक्ट शीट करना पड़ेगा। और प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या करता है, देखिए ये देखिए आप इसमें वर्कशीट नहीं ऐड कर पाओगे, नहीं ऐड कर पा रहे ना, ऐसा है प्रोटेक्ट वर्कशीट में, आप इसका और क्या नहीं कर पाओगे, विंडो चेंज नहीं कर पाओगे। देखो इस विंडो को हम छोटा बड़ा नहीं कर पा रहे, ये कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ गए। ठीक है, विंडो से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए, हाइड हो गए, प्रोटेक्शन कर दिया, विंडो के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते, ये इसको छोटा बड़ा करके नहीं देख सकते, विंडो नई विंडो नहीं जोड़ सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप यहाँ पे जा करके, क्या हम पेज सेटअप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, एक मिनट देख लेते हैं पेज सेटअप दिखाई देता है कि नहीं। ठीक, इससे हमको जानकारी हो जाएगी तो क्या चीज हम कर सकते हैं क्या चीज हम नहीं कर सकते हैं, साइज चेंज हो सकता है कि हाँ साइज चेंज हो सकता है। तो केवल विंडो में अपन विंडो को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ये व्यू मेन्यू के जो विंडो के ऑप्शन है वो हाइड ही जाते हैं, है व्यू मेन्यू के आपके विंडो से रिलेटेड ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। आप नई वर्कशीट ऐड नहीं कर सकते हो, आप पुरानी वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, देखो। तो पूरी वर्कबुक को अगर हमको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिव्यू के अंतर्गत प्रोटेक्ट वर्कबुक में। ठीक, तो ये था प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट। अब एक बार वर्कबुक पूरी प्रोटेक्ट कर दिया, आप चाहते डेटा ही प्रोटेक्ट करना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही सिलेक्ट करके और प्रोटेक्ट शीट करना पड़ेगा। मान लो पूरी शीट प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यहां से राइट क्लिक करो और प्रोटेक्ट शीट कर दो,
अब आपकी पूरी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, केवल उस भाग को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप केवल इतने भाग को सिलेक्ट करो, पूरी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगला ऑप्शन दिया गया है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक में हम क्लिक करेंगे। देखिए शेयर वर्कबुक का यूज समझ लीजिए कहाँ पर होता है। हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारे यूजर बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में तोमर आता था, स्टूडेंट आता था, और भी दो चार पांच यूजर हो सकता है, जैसे आपके लैपटॉप में दो तीन यूजर आपने बना दिए अलग अलग जो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो कि हमारी ये वर्कबुक ये यूजर भी देख सके या जो जो यूजर है वो देख सके, इसको चेक करके अलाउ में चेक कर देना, तो क्या होगा जितने यूजर यहाँ लिस्ट में होंगे सभी हमारी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं, सभी हमारी वर्कबुक को देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपने इस वर्कबुक को बनाया है दूसरे यूजर से जब आप लॉग इन करोगे तो उसको दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से शेयर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको परमिशन भी दे सकते हैं कि आप हिस्ट्री चेंज कर सकते हो, फाइल को सेव्ड कर सकते हो, है ना, ये सारे ऑप्शन भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो शेयर वर्कबुक का यूज का मतलब है कि विंडो के जो यूजर होते हैं उनको आप सुविधा दे रहे हो कि आप अपनी वर्कबुक को उनको इस्तेमाल करने के लिए दे दो। किस ऑप्शन के द्वारा होता है, शेयर वर्कबुक के द्वारा होता है। प्रोटेक्ट एंड शेयर, प्रोटेक्ट एंड शेयर का अर्थ हो गया है आपका कि प्रोटेक्ट करो और शेयर करो, मतलब आप पासवर्ड बताओगे जब दूसरे को तभी वो इसको ओपन कर पाएगा, नहीं तो ओपन नहीं कर पाएगा। मतलब प्रोटेक्ट भी करो और इसको शेयर भी करो, है ना। अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का मतलब होता है कि यूजर को आप एक पर्टिकुलर रेंज दे दो। यूजर को जैसे आपके एक कंप्यूटर में दो यूजर बने हैं, आप चाहते हो कि जो दूसरा यूजर है वो डेटा की एंट्री ना कर पाए लेकिन वो क्या कर पाए, केवल टोटल परसेंटेज रिजल्ट बस को चेंज कर पाए, तो अलाउ यूजर टू इसमें जाना, न्यू में जाना, ये देखिए रेंज में क्लिक कर देना और रेंज इतनी सिलेक्टेड कर देना। अब क्या होगा, जिस भी यूजर को आप जो है ये टाइटल वन नाम से रेंज दे दिया आपने यहाँ पर, ये देखिए रेंज वन हो गया और ये अप्लाई हो गया। किस यूजर को परमिशन देना चाहते हो उस यूजर का नाम यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हमने आपको बताया। देखिए आप यहां से यूजर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, वो यूजर केवल आपको क्या कर पाएगा, केवल वो चेंज कर पाएगा इतने बस भाग को चेंज कर पाएगा। यूजर का अर्थ समझ रहा है ना, जो लॉगिन करते समय जो बनाते हैं वो यूजर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोटेक्ट वर्कशीट ऑप्शन। अब इसमें दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि कोई वर्कशीट हमारी ओपन ही ना कर पाए, हम दिखाना भी नहीं चाहते। स्कूल में मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है या कोई स्टूडेंट के लिए पेपर वगैरह बनाया, अब पेपर हम चाहते हैं कि अगर हमने सिस्टम में भी डाला लैपटॉप में भी डाला तो कोई उसको देख भी ना पाए, चेंजेस करना तो दूर देख भी ना पाए, तो ओपन करने के लिए कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे इसको, ओपन करने के लिए करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, ऑफिस बटन में जाना होगा, एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा। एक्सेल ऑप्शन में जाने तो उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि जैसे ही अपन जिस भी वर्कशीट को चाहते हैं कि ओपन करते समय पासवर्ड पूछे तो इस ऑफिस बटन में जाइए। ऑफिस बटन में जाने के बाद यदि आप इसे सेव कर चुके हैं तो आप इस तरीके से सेव बटन में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने इसको पासवर्ड देना है तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद एक्सेल वर्कबुक में क्लिक करिए तो ये सेव एज का ऑप्शन आएगा। सेव एज का ऑप्शन में जाने के बाद टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन में जाइए, दिख रहा है जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन में जाइए, ये देखिए पासवर्ड टू ओपन, अब यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू मॉडिफाई भी डाल दीजिए, ओके कर दो, री एंटर पासवर्ड कर दो, मतलब ये सेव एज करेगा फाइल को और फिर ये जो है री एंटर मॉडिफाई पासवर्ड, ये अब ओपन ही नहीं करेगा, ओपन कर देगा तो चेंज नहीं करने देगा। तो इसको हम अभी सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में, ये हमारी फाइल बन गई एक्सेल एक्सरसाइज टू नाम से, ये इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है, और इसको हमने बंद कर दिया मान लीजिए। और जब भी देखिए ये एक ओरिजिनल फाइल ये वही आ जाती है एक्सरसाइज टू नाम की, इसको हम बंद करके पुनः ओपन करके देखते हैं कि क्या ये ओपन होती है कि नहीं होती। अगर ओपन नहीं होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है, समझ गए ना। तो हमने इसको सेव किया हुआ था यहाँ पर, ये देखिए एक्सेल एक्सरसाइज टू, जैसे हम इसको ओपन करेंगे ये देखो ओपन नहीं हो रही, जब हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे तब ये ओपन होगी, मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड देंगे तब आएगी, और रीड ओनली में क्लिक कर देते तो केवल दिखाई दे जाती, चेंजेस नहीं हो पाता, ठीक है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसके द्वारा कि हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के रूप में प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अभी देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो शीट प्रोटेक्टेड थी, है ना, तो पूरी दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि हमारी जो शीट थी
वो प्रोटेक्टेड थी और हम इसको जो है प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं। ये जो हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ था, ये देखिए अब ये फुल फुल दिखाई दे रही। ठीक, उस समय अपन ने क्या कर दिया था, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दिया। तो वर्कबुक के प्रोटेक्शन में क्या हो रहा था, वर्कबुक के प्रोटेक्शन में दो चीजें आ रही थी, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जा रहा था और विंडो। तो वो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट था। ये पूरे प्रोटेक्शन के ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल भी हमको सिक्योरिटी पर्पज से किया जा सकता है।